हेलो व्हाट्सअप का स्टूडेंट दिस वीडियो से यूज रिड्यूसर हुक इन रिएक्ट एप्लीकेशन तो सबसे पहले क्या होता है ये यूज रिड्यूसर हुक सो गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो हेर uh, मैंने पूरा इसका यू नो बेसिकली सिंटेक्स आप कैसे देख सकते हो देन चीजें क्या है सब लिख के रखा हुआ है वन बाय वन हम इसको समझते हैं पहले थ्योरी एंड देन हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे एंड इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन प्रैक्टिकल पार्ट ओनली देन आप डायरेक्टली इस पर्टिकुलर जो थ्योरी वाला पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हो प्रैक्टिकल पे आप डायरेक्टली जा सकते हो बट आई हाईली रिकमेंड आप पहले इसको देख लीजिए तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि गाइस वी हैव अ यूज रिड्यूसर सी ये तो आपको चलो क्लियर है कोई भी हुक को उसका जो प्रीफिक्स है वो यूज क्यूअर्ड होना मस्ट है सो है वी हैव अ यूज रिड्यूसर हुक एंड वो जो यूज रिड्यूसर हुक है इट रिटर्न एंड एरे विथ टू एलिमेंट्स सेम एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ आपके माइंड में आ रहा होगा भाई ये यूज रिड्यूसर हुक हम क्यों यूज करें आखिर इसका क्या काम है इन रिएक्ट एप्लीकेशन इन रिएक्ट जैस तो सिंपल इसका आंसर बस एक लाइन का है एंड दैट इज इट्स एन अल्टरनेटिव ऑफ योर यूज स्टेट हुक दैट्स इट जी हां गाइस तो आपकी मर्जी आप चाहो तो यूज स्टेट को यूज करो या तो आप यूज रिड्यूसर हुक को यूज करो बट आई हाईली रिकमेंड अगर आप एक स्मॉल एप्लीकेशन के साथ काम करें नो प्रॉब्लम यूज स्टेट हुक आप बेफिक्र होकर यूज कीजिए बट वेन यू आर वर्किंग इन अ कॉम्प्लेक्स या थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट देन आई हाईली रिकमेंड टू यूज यूज रिड्यूज हुक विथ योर कॉन्टेक्सट ए पी आई तो किलर फिर तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आप कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर लोगे ठीक है तो आई होप आप आपको पता चल गया डेट्स वाइज सेम हुई है यार आप अगर आप ध्यान से देखोगे सो वी हैव अ यूज रिड्यूसर हुक सेम अपना यूज स्टेट जो आपका यूज स्टेट हुक था इट ऑल्सो रिटर्न एन एरे विथ टू एलिमेंट्स ये ऑल्सो यूज रिड्यूसर हुक भी आपको दो चीज रिटर्न करा वी हैव योर स्टेट एंड देन वी हैव दिस डिस्पैच फंक्शन अब ये क्या चीज है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ बट हाँ एक और चीज ये कि ये जो यूज रिड्यूसर हुक है इसके अंदर हम दो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिसमें से सबसे पहला आपका एक रिड्यूसर फंक्शन है समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं ये आपका एक रिड्यूसर फंक्शन है एंड देन द सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज योर वॉट इनिशियल स्टेट तो लेट्स इमेजिन ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू मैंने कर दी जीरो सो so, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो ये जो स्टेट होगी उसकी वैल्यू भी हो जाएगी जीरो सेम जो यूज स्टेट में था इनिशियल स्टेट एंड यहां पे उसकी करंट वैल्यू आप इस तरीके से समझ सकते हो बट यहाँ पे जो डिस्पैच फंक्शन है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड ये जो रिड्यूसर फंक्शन है ये रिड्यूसर फंक्शन के अंदर भी दो आर्ग्यूमेंट हमें और मिलता है उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है सी ये लाइन तो मैंने आपको बता ही दिया था एंड दैट इज इट रिटर्न एन एरे कंटेनिंग करंट स्टेट एंड अ डिस्पैच फंक्शन ये जो डिस्पैच फंक्शन है इसका काम होता है टू सेंड एक्सेंड टू द रिड्यूसर फंक्शन अब आपके मन में आ रहा होगा

एंड डिस्पैच का काम है उस एक्शन को पास करना या yes सेंड करना रिड्यूसर फंक्शन को ठीक है एंड देन इनिशियल स्टेट तो बोलने की नीड ही नहीं ये जो इनिशियल स्टेट है उसकी वैल्यू यहाँ पे भी चली जाएगी एंड वही वैल्यू सेम आपका ये जो रिड्यूसर फंक्शन का जो पार्ट है वहाँ पे भी चला जाएगा आई नो ये खिचड़ी हो गया थ्योरी पार्ट थोड़ा सा आपको वेड़ लग सकता है क्योंकि अभी तक आपने प्रैक्टिकल देखा नहीं बट डोंट वरी अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं अब आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा सो so, सबसे पहले इतने सारे हुक्स तो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके अगेन लेट्स गो विथ हुक क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट आई मीन न्यू फोल्डर इन साइड योर हुक्स फोल्डर जिसका नाम है यूज रिड्यूसर डॉट जी क्यों लिखना है <laughs> ये तो फोल्डर है इसके अंदर आप इंडेक्स डॉट जी लिख दीजिए ठीक है आई नो आप लोग को दिख नहीं रहा है बट मैं दिखा देता हूँ सो दिस इज हुक्स वाला सेक्शन इतने सारे हुक्स पढ़ लिया जिसमें से मैंने यूज रिड्यूसर करके बनाया एंड उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली इंडेक्स डॉट जीएस ठीक है इसको मैं साइड कर देता हूँ अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है लेट्स ट्राई टू मेक दैट काउंटर वाला एप्लीकेशन जो हमने यूज स्टेट हुक की मदद से बनाई थी लेकिन उससे पहले कैसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ विनती हाथ जोड़ रहा हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम बहुत पीछे चल रहे हैं एंड लाइक आप कर नहीं रहे हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिए बहुत मोटिवेशन मिलती है एंड आगे भी मैं और ऐसे ऑसम वीडियोज़ बनाने वाला हूँ है ना तो लेट्स गो विथ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लेट्स गो विथ रिड्यूस कॉम्पोनेंट लिख देता हूँ फिलहाल के लिए है ना याद दिस चलो ठीक है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो बच्चा था अब यहाँ पे जब हम रिटर्न करेंगे लेट्स रिटर्न योर एच वन एक सेकेंड वहीं पे एच वन लिख दिया फिर मैंने भी एच वन हेलो यूज रिड्यूस ना कंट्रोल एस सेव इसको कॉपी कर लो ऐप uh, पे चलिए यहाँ पे मैं चल रहा हूँ यहाँ पे ऑलरेडी अब मैं एंटर हिट कर आई I मीन mean, uh, मैंने डायरेक्टली गेट कर ली तो अभी इस पार्ट को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ एंड डोंट डो रिसोर्स कोड ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ कल के दिन हमने ऑसम awesome वीडियो देखा था आई गेस इसको मैंने रन नहीं की तो मैं ऑलरेडी गिटअप पे पुश कर देता हूँ तो कैसे आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है सीढ़ी लिखने की नीड नहीं है बर्न एंड देन डेब आप चाहो तो एन पी हम रन डेब लिख सकते हो आपकी मर्जी आपने इसको किस तरीके से रन किया होगा है ना एक बार मुझे देखना है क्या टाइम ले रहा है ये अः अई गेस यफेक्ट नो प्रॉब्लम सो इट्स अलो यू इज़ रिड्यूस अक ठीक है एंड जैसे कि आपको मालूम ही है वी हैव वन डीब विथ ऑसम फंक्शनैलिटी जो कि मैं टेलून सेसेस यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल के लिए ताकि लाइफ ईजी हो जा रही है उसमें पता नहीं क्यों तो भी है ना सो डीव एंड यहाँ पर उसको पेश कर दिया मैंने अच्छा एक, एक एक्स्ट्रा फाल्टू का था वहाँ पर एंड बाई दो इसकी कोई नीड नहीं है हमें एज इट इज़ ठीक है इसको हटाओ एंड uh, मैं ऑलरेडी टेलविंड कैसे अब यूज कर सकती हूँ रिएक्ट एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका प्लीज चेकआउट कीजिएगा सो लेट्स क्रिएट वन एच वन ठीक है एंड लेट्स क्रिएट टू बटन जिसमें मैं लिख देता हूँ इंक्रीमेंट लेट्स हैव वन मोर बटन जिसको मैं लिख देता हूँ डिक्रीमेंट ठीक है ऑल राइट अब इस एच वन में तो ऑब्वियसली वी नीड डेट काउंट की वैल्यू तो नो मैटर वट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि uh, देखो ये जो काउंट था पहले मैं यूज स्टेट लेता था ठीक है अब मैं आपको करके बताता हूं देखो कैसे जैसे काउंट आई नो आप लोग को ये पता चल चुका है मैं क्या कर रहा हूं ठीक है एंड ये हम लिखते थे राइट एंड ये वाला जो सी ओ यू एन टी होता है मेरे भाई ठीक है इस तरीके से ये ऐसा था राइट बट अब हम क्या करेंगे ना ध्यान से देखना कॉन्स्ट देखो काउंट जो है काउंट रहने दो चलो काउंट ही रहने दो नो प्रॉब्लम सेट काउंट के बदले वी नीड टू राइट डिस्पैच ठीक है स्पेलिंग दिस पैच देन यूज स्टेट के बदले यू नीड टू राइट योर यूज यूज या परफेक्ट यूज रिड्यूसर ठीक है आपको सेम ऊपर से इंपोर्ट करना पड़ता है अब यहां पे ये यह जो इनिशियल वैल्यू है वो तो है लेकिन वो आपका सेकेंड आर्गूमेंट होता है उससे पहले वी नीड टू हैव दिस रिड्यूसर फंक्शन तो देखो कोई डिफरेंस नहीं है इट जस्ट हेयर वी हैव वन फंक्शन जो कि आपका सेट काउंट है यहाँ पे भी वी हैव वन फंक्शन जो कि आपका डिस्पैच कहलाता है हेयर वी हैव इनिशियल वैल्यू हेयर वी हैव इनिशियल वैल्यू बट वी आर गेटिंग वन एक्स्ट्रा फंक्शन कॉल रिड्यूसर फंक्शन तो ये जो रिड्यूसर फंक्शन है इधर इफ़ यू वॉन्ट आप इसके बाहर भी इसको डिफाइन कर सकते हो एल्स फिलहाल अभी कॉम्प्लिकेट ना करते हुए इसको मैं टॉप पे इधर डिफाइन कर देता हूँ कॉन्स्ट रिड्यूसर है ना एंड मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले थ्योरी में कि ये जो है अगेन ये आपको दो आर्गूमेंट हमें इसमें पास करना पड़ता है फिलहाल तो अब ये पैरामीटर हो क्या लाएगा अब जो भी हो तो डैट इज़ फर्स्ट इज योर एक्शन सॉरी फर्स्ट इज योर स्टेट एंड डैट स्टेट इज नथिंग बट ये वाली वैल्यू हाँ ये करेंट स्टेट है ये एंड यहाँ पे आपको एक्शन करके एक और uh, पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है दिस इज़ इट तो अब ये जो यूज स्टेट है इसको मैं हटा रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो मेरा यूज़ रिड्यूसर हुक है इसको मैं कंसोल करके आपको दिखाता हूँ आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से देख सकते हो दिस इज़ योर यूज़ रिड्यूसर हुक जहाँ पे एक एरे हमें मिल रहा है विथ टू एलिमेंट जिसमें सबसे पहला अनडिफाइंड है दूसरा आपका एक फंक्शन है एक अनडिफाइंड है दूसरा आपका एक फंक्शन है समझ रहे हो तो ये है आपका काउंट ये है आपका डिस्पैच तो बेसिकली इसकी बात हो रही है फिलहाल वहाँ पर ठीक है एंड आई होप आपको आइडिया आ गया होगा ये किस तरीके से काम कर रहा है एंड इस रिड्यू uh, इसमें अगर मैं लेट्स uh, से कुछ रिड्यूसर एंड जीरो इस तरीके से पास कर देता तो क्या होता है चेक इट आउट ओ माई गॉड सी आप देख रहे हो तो वहाँ पे अगर मैं जीरो ऐड करता हूँ नाव थोड़ी देर पहले वो अनडिफाइंड था बट अब ये जीरो हो गई है इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो जो इनिशियल वैल्यू की जो हम बात कर रहे थे मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट part है ये जीरो की वैल्यू ये जो काउंट है वो एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि मैंने तो ये जीरो लिखा था बट ये जो दो फंक्शन आई मीन एक एरे में ये जो दो एलिमेंट हमें वो रिटर्न कर रहा है फर्स्ट वाले की वैल्यू जीरो आ गई अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले वो अनडिफाइंड था मतलब द मोमेंट आपने सेकेंड आर्ग्यूमेंट को डिफाइन की तो वो आपका इसका करंट वैल्यू हो जाता है एंड डिस्पैच का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ आई होप इतना तो आपको पता चलेगा सिंपल राइट कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या आप उस पर्टिकुलर चीज़ को कंसोल करके देख लो उसका क्या वैल्यू आपको रिटर्न मिल रहा है जिससे आपको आइडिया आ जाएगा एंड हाँ ये क्यों हम ऐसा करते हैं अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है देखो ये तो आपको आइडिया है कि जब भी कोई इस बटन को क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है एक फंक्शन कॉल करना है ठीक है जैसे हम करते थे इंक्रीमेंट फंक्शन या हम क्या करते थे ये जो सेट काउंट प्लस वन इस तरीके से करते थे बट यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच फंक्शन है ठीक है तो आपको ये जो डिस्पैच फंक्शन है उसको कॉल करना होता है ध्यान से देखो ये जो डिस्पैच है मैंने इसको कॉल किया इसके अंदर का आप एक वैल्यू पास करोगे ठीक है जिसके अंदर आप देखो मैं बता तो करने के डिफरेंट तरीके लेकिन एक बेस्ट तरीका हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें वी हैव वन प्रॉपर्टी सॉरी या प्रॉपर्टी आप बोलो इसको की मैं बोलूँगा टाइप एंड यहाँ पे उसकी वैल्यू रहेगी इस तरीके से इंक्रीमेंट परफेक्ट देखो ये जो मैंने किया सेम इसी को ही मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा तो अब टाइप यहां पे इंक्रीमेंट नहीं वी नीड डिक्रीमेंट ठीक है देखो ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहां पे जब भी कोई क्लिक करेगा हम डिस्पैच फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करो जिसमें मेरी एक की है एंड बेसिकली प्रॉपर्टी का नाम है टाइप वैल्यू है इंक्रीमेंट तो जब भी आप डिस्पैच फंक्शन को कॉल करते हो इट विल सेंड एन एक्शन टू द रिड्यूसर फंक्शन रिड्यूसर फंक्शन हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं इसने एक एक्शन सेंड कर दिया है यहाँ पे ठीक है अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ ठीक है अब ये जो मेरा एक्शन है एंड एक काम करता हूँ पहले लेट्स गो विथ योर स्टेट एंड देन लेट्स गो विथ योर एक्शन ठीक है एकदम हम प्यार से जा रहे हैं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है इसको मैं कंसोल करता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखना अभी कुछ नहीं बट द मोमेंट मैं इंक्रीमेंट पर क्लिक करूँगा गाइस से दिस इज इट ये देखो दो बार आ रहा है ये आपको मामले में वो आएगा ही आएगा बट देखने वाली बात ये है ये जो जीरो आपको दिख रहा है दिस इज योर स्टेट की वैल्यू जो हमारे रिड्यूसर फंक्शन में पहला आपका स्टेट था दूसरा था आपका एक्शन कीवर्ड बेसिकली उस एक्शन के अंदर अब ये वैल्यू जा चुकी है दैट इज टाइप एंड देन इक्रीमेंट अगर डिक्रीमेंट पर क्लिक करता हूँ तो देखो टाइप एंड देन वी हैव आवर डिक्रीमेंट ठीक है तो अब इसका बेस्ट पार्ट पता क्या है? कैसे हम डील करते मुझे तो इंक्रीमेंट करना है एक से डिक्रीमेंट करना है माइनस वन तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे इफ मेरा ये जो एक्शन है डॉट टाइप क्योंकि टाइप मुझे वहाँ पे मिल रहा है एंड वो एक ऑब्जेक्ट है तो हम डॉट नोटेशन से उसको गेट करेंगे इफ इट इज ट्रिपल इक्वल टू यूर इंक्रीमेंट तो सिंपल यहाँ पे वी नीड टू रिटर्न डैट वो आपका स्टेट आपको मालूम है स्टेट में जीरो मिला था प्लस वन खत्म अब इसी को ही कॉपी करूंगा यहाँ पे अ ऑफ इंक्रीमेंट लेट्स गो विथ योर डिक्रीमेंट तो स्टेट माइनस वन दिस इज इट इतना अगर आप करते हो रिफ्रेश करते हो तो ये देखो एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया देख लीजिए डिक्रीमेंट कर रहा हूँ एंड मेरा काम हो गया तो ये है आपका यूज़ रिड्यूसर हुक जहाँ मैंने कितने प्यार से आपको दिखाया कि जो हमने पहले यूज स्टेट हुक की मदद से क्रिएट की थी अब मैंने आपको वो गाइस यूज़ रिड्यूसर हुक की मदद से करके दिखा एंड आई नो गाइस अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल को साइड बाय साइड कंपेयर करें तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं लिख के देता हूँ कि हंड्रेड में से हंड्रेड परसेंट लोग बोलेंगे मुझे यूज स्टेट हुक यूज़ करना है ऑब्वियसली नो डाउट क्योंकि ये है तो बच्चों वाला एग्जाम्पल ना बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे तब आपको रिलाइज होगा ओ माई गॉड यूज़ रिड्यूसर तो खतरा है समझ रहे हो तो बट ये मेरा दिखाने का मेन मकसद ये था कि यूज स्टेट हुक का एक अल्टरनेटिव है आपका यूज रिड्यूसर हुक, एंड इस तरीके से आप इसके साथ खेल सकते हो एंड कितना ईजी था कितना ऑसम awesome था वन वो टाइप देख लीजिए यूज रिड्यूसर आपको लिखना ही पड़ता है इट रिटर्न एन एरे टू एलिमेंट्स दट इज योर काउंट जो कि आपका करेंट स्टेट है डिस्पैच आपका फंक्शन है एंड जब भी आप ऑन क्लिक पे आपको उस डिस्पैच को कॉल करना पड़ता है उसके अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास करते हो टाइप एज की एंड ये वो वैल्यू है कि यहां पे हम जस्ट चेक करते हैं डिस्पैच विल सेंड एंड एक्शन टू द रिड्यूसर फंक्शन ये एक रट लो आप ये लाइन एंड आपको आइडिया आ जाएगा कि द मोमेंट आपने डिस्पैच को कॉल की वो इस रिड्यूसर फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें ये जो एक्शन है अगर यहाँ पे आपने कंडीशन दी कि हाँ भाई एक्शन डॉट टाइप बेसिकली ये जो टाइप है टाइप के बदले अगर आपने टाइप्स लिखा होता तो यहाँ पे भी आपको टाइप्स लिखना पड़ता फिर समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ तो उसमें जस्ट चेक करना है अगर कंडीशन मैच हो गया राइट right? तो वो हम क्या कर देंगे प्लस वन कर देंगे अगर ये डिक्रीमेंट मैच हो गया तो हम माइनस वन कर देंगे इतना ज़्यादा इजी एंड कल के दिन मैं आपको इसका और मॉडिफाइड जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो बताऊंगा तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं आप पे है ना बट आई रियली होप बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा सो गाइस वीडियो कैसा लगा लेट मी द कमेंट सेक्शन गाइस एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा एंड वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा बहुत जल्द मैं एक ऑसम वीडियो लेके आने हूं जो कि सरप्राइज है सो so गैस मिलता हूँ कल की वीडियो में टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर